कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं सागर शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवासीय कॉलोनियां। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया, पुरुषोत्तम चौरसिया। कृषि बिल के विरोध में हरियाणा और पंजाब के किसानों के चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मोटरसाइकिल पर सवार होकर सैकड़ों किसानों के साथ दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। शनिवार की रात महाराष्ट्र के सैकड़ों किसान एमपी के बैतूल पहुंचे और रात्रि विश्राम यही किया गया। प्रहार जनशक्ति पार्टी और महाराष्ट्र सरकार के जल संपदा राज्य मंत्री ओम प्रकाश बाबा राव कुड़ और बच्चू कुड़ू के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अमरावती जिले के मोजरी से बाइक रैली और कार रैली के जरिए दिल्ली रवाना हुए हैं। शनिवार की रात सैकड़ों बाइक और चार पहिया वाहनों की रैली बैतूल पहुंची। बता दें कि यह रैली भोपाल, गुना, मुरैना से आगरा होते हुए 10 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी। रैली के बैतूल पहुंचते ही प्रशासन और पुलिस में हड़कंप सा देखा गया। हालांकि रैली में शामिल किसान बैतूल से 7 किलोमीटर दूर परसोड़ी स्थित कांग्रेस विधायक के वेयर हाउस में ठहरे थे। वे सुबह दिल्ली के लिए रवाना हुए। रैली में बड़ी तादाद में मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल सहित किसान और यहां तक कि दिव्यांग किसान भी शामिल हैं। किसानों का नेतृत्व कर रहे महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री बच्चू कुड़ू का कहना है कि एक तो अभी तक 8-10 दिन हो गए किसानों का आंदोलन चालू है और प्रधानमंत्री जी बड़े हौसले के साथ कहते थे मोदी जी कि 60 साल कांग्रेस के और 60 दिन मोदी जी के। तो मोदी जी आपने तो कहा था कि मैं प्रधान सेवक हूँ, अगर आप सेवक हो तो 7 दिन आंदोलन किसानों का चल रहा है, कहाँ गए आप, कहाँ छुपे हो? अगर अब भी ये सरकार नहीं चेती तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तो ये पहली ब्याज हमारी निकली है। अभी 10,000 चार दिन के अंदर अगर नहीं निकलते तो 10,000 लोग ट्रैक्टर से निकलेंगे। अभी कितने लोग जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं? अभी 2,000 लोग हम महाराष्ट्र निकले, अभी बैतूल हमारा मुक्काम रहेगा और टू व्हीलर से कुछ गाड़ियाँ मैंने वादा किया था मैं दिल्ली तक टू व्हीलर में जाऊँगा, तो अभी टू व्हीलर में बैठा हूँ। और मंत्री है और टू व्हीलर से जा रहे हैं तो मंत्री क्या ऊपर से थोड़ा आता है? एमपी के लोग भी शामिल होंगे इसमें? बिल्कुल, किसान, हर किसान शामिल होना चाहिए, यहाँ ना कोई जात है ना धर्म है। वहीं दिल्ली जा रहे नासिक के किसान गणेश ने बताया कि क्या नाम है? गणेश रमेश निम्बाड़कर। गणेश जी, सारे किसान निकले हैं और ये भाई साहब भी निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर? हम नासिक से आ रहे हैं, चांदौड़ तालुके से आ रहे हैं। ये भाई साहब जो है ये खुद दिव्यांग है, लेकिन उनका परिवार, घर गृहस्थी सब जिस चीज़ पे चलता है वो है खेती। इनको मालूम है हमारे दादा परदादा से लेके हमारा व्यवसाय अगर खेती का है तो सम्मान की खेती अब अपमान की हो गई है। हमारे यहाँ नासिक में आके खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा था ये नासिक फलों और फूलों की भूमि है, हमारे यहाँ प्याज उगती है, अंगूर उगता है, ये सब चीज़ें कहा जा रही है। आज पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ में जुटने का हमारा हेतु ही वही है कि इस खेती का सम्मान हमें वापस लाना है। मोदी साहब ने कहा था 60 साल की कांग्रेस और 60 दिन मेरे बीजेपी के, मेरे नेतृत्व में रहेंगे तो वो 60 दिन आपके बदलाव के होंगे। इस बदलाव के लिए ये दिव्यांग जा रहा है, वो हक का बदलाव है। हमारे आत्मविश्वास से भरे इस रैली में हम यही कहना चाहते हैं अगर ये दिव्यांग जुट सकता है तो महाराष्ट्र के बाकी किसानों को मेरी अपील है, अपने दल को छोड़िए, अपने पार्टी को छोड़िए। ये एक निर्दलीय विधायक है जिन्होंने क्रांति की है ये महाराष्ट्र में, उसका नाम है प्रहार। उस प्रहार के साथ में जुटिए और अपना जो हक का सवाल है मोदी साहब से पूछना पड़ेगा। अब नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? ये सवाल क्या है कि हमारा MSP का क्या हुआ, हमारे प्याज का क्या हुआ? प्याज जो 40 रुपए बिकने जा रही थी आपने दूसरे देश का प्याज लाकर हमारे इधर मार्केट में उसके कंपटीशन करवाई क्यों? हम अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हो तो क्या हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान नहीं है? हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? ये सवाल हम उनसे करने जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। हमारे हक के दाम दे दो, अगर ये दिव्यांग आ रहा है तो सबको आना पड़ेगा, हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान निवृत्ति गांगुड़े, मैं नासिक से आया
वही इधर मैं खुद ये मराठी में बात किया था। आम्ही नाशिक वरून आलो आहे चांदोड तालुका। आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली आज अमरावतीवरून शेतकरी रॅली निघाली। तर आम्ही डायरेक्ट दिल्लीला जाणार आहे। तर आम्ही कुठे न थांबता कुठे मुक्काम करून आम्ही शेवट दिल्लीला जाणार आणि मोदी साहेबांना भेटून जो शेतकऱ्यांबद्दल जे विधेयक केले चुकीचे ते मागं घेऊन शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी आम्ही दिल्लीमध्ये जाणारच। माननीय आमदार बच्चूभाऊ यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही पोहोचणार। लेकिन आप खुद दिव्यांग हैं और उसके बाद जा रहे हैं, आप तो क्या संदेश देना चाहते किसानों का? मैं शेतकरी को मैं एक बच्चा है, दिव्यांग है। मैं आज चौथा दिवस है बच्चूभाऊंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीला जाऊ राहिलो। जसे पंजाब हरियाणा इथून शेतकरी आले आंदोलनासाठी, तर आम्ही महाराष्ट्रामधून सुद्धा जवळजवळ 20 ते 25 हजार लोक महाराष्ट्रामधून दिल्लीला निघालो आहे आंदोलनासाठी। बैतूलचे महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। बनाए अपने सपनों का घर कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ प्राकृतिक सुंदरता के बीचों बीच। मोहन एनक्लेव होटल रॉयल पैलेस के पास राजघाट रोड सागर, जिनमें आपको मिलेगा सभी शासकीय अनुमतियां, सभी बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, बच्चों के खेलने के उपकरणों सहित हरे भरे पार्क, ओपन जिम, चौड़े कंक्रीट रोड, कवर्ड कैंपस सहित सुंदर एवं विशाल प्रवेश द्वार, 24 घंटे पानी की सुविधा, क्लियर ड्रेनेज सहित अंडरग्राउंड सीवर लाइन एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लाट बुकिंग एवं साइट विजिट के लिए संपर्क करें ऑफिस HIG 6 जिया मापुरम कॉलोनी फेज 2 मेडिकल कॉलेज रोड तिली वार्ड सागर मध्य प्रदेश। हमारे नंबर है 7770888116 9617310803।